जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तूने आज तक मैंने तेरे जीवन में जितने भी काम किए तूने उनकी सब कामों की टेस्टामनी देनी है, तूने सब कामों की गवाही देनी है। क्या देनी है? और यह बात किसकी ओर से मेरे जीवन में आई? परमेश्वर की ओर से। उसने कहा मुझे, आज से तूने अपने जीवन में जितने भी आज तक मैंने काम किए सब टेस्टामनी, सब गवाहियों को तूने देना है। ठीक है, तो मैं आज अपने जीवन की सबसे पहले आपको टेस्टामनी देना चाहता हूं। जब मैं प्रभु में आया तो उससे पहले मैं अंधकार में था, अंधेरे में था, मैं संसार की धार्मिकता करता था। हमारे घर में ऐसे दिए हम जलाते थे, वही धार्मिकता करते और वही उसी को ईश्वर उसी को परमात्मा समझते थे। हाँ, और मन से करते थे। क्या करते थे? मन से। और ये कम से कम मैं 10-11 साल के करीब था और 8 साल तक ये हमने धार्मिकता की। और 17 साल की एज में जब मेरे मदर की डेथ हुई तो उसी धार्मिकता में जो मैं करता था मैंने उनके आगे घुटने टेके और परमेश्वर से मांगा कि मेरी मां को जिंदा कर दो, बड़े मन से, विश्वास से। पर कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और 18 साल की एज में शैतान ने, मतलब पाप ने, मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और 18 साल की एज में मैंने नशा शुरू कर दिया। 18 साल की एज में मैंने नशा शुरू किया और वो नशा धीरे धीरे हर साल बढ़ता गया और 20-21 साल की एज में मैंने इतना नशा किया, इतना ज्यादा सोच से भी ज्यादा। हाँ, एक पूरी सुबह जैसे सुबह लोग चाय पीते हैं तो मैं तब मैं नशा पीना, ड्रिंक करना शुरू हो जाता है सुबह। और एक बोतल शराब में पीकर भी 10 नंबर की गोलियां खाता था। क्या खाता था? 10 नंबर की गोलियां। और शैतान ने मेरे मन में एक ही चीज डाल रखी कि तूने बस इसी में अपने जीवन को खत्म करना है। और जब मुझे रात को होश आती थी 1-2 बजे तो जो जैसे हम अपने धर्म में रहकर जो धार्मिकता करते हैं तो मैं जो हमारे अमृतसर जो मेन स्थान है वहां पे मैं जाकर रात को 2-3 बजे उठकर जाना और उनसे मांगना कि मैं पता नहीं ये क्यों करता हूं, मुझे परमात्मा अपनी शांति दे, मैं ऐसे ही कहता था। और जब मैं घर आता था सुबह होती फिर मैं वही चीजों में और ऐसे ही चल रहा था। क्या रहा? ऐसे ही चल रहा था मेरी लाइफ में। क्या चल रहा था? और मेरी फैमिली वाले ऐसी शादी के लिए मुझे बोलते थे, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। हाँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। समझ आ रही? तो ऐसे मेरा जीवन चल रहा था। पर एक दिन मेरे जीवन में कौन आई? यीशु मसीह आया। क्या आया? यीशु मसीह आया। जैसे आपके जीवन में आया ऐसे एक दिन मेरे जीवन में। और जिस दिन मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे बताया कि वो कौन है, बोलो वो कौन है? क्योंकि मैं भी जब मैं संसार की धार्मिकता करता तो मैं समझता ये ईसाइयों का है, ये ईसाइयों का खुदा, ये अंग्रेजों का, ये हमारा नहीं है। पर जब किसी ने मुझे उसके बारे में बताया कि ये सब कुछ तेरे साथ क्यों होता है, जब मैंने इस सत्य को सुना और समझा, आप यकीन करना, आप मानना, मैं पागलों की तरह, कैसे पागलों की तरह मैंने यीशु के उस प्रेम को जो उसने क्रूस पर अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया, मैं रात दिन मैंने एक कर दी। क्या कर दी मैंने उसके उसमें? रात दिन मैंने एक कर दी। रात दिन किसकी बातों को समझने के? क्योंकि मुझे समझ आई कि अच्छा, मुझे समझ आ गई कि इसके कारण मेरी लाइफ बर्बाद हो जानी थी। और मैंने जब इस जीवन को समझा, इस सच्चाई को समझा कि मेरे जैसे कितने लड़के, कितने नौजवान, कितनी माओं के बच्चे,
कितनी बहनों के पति शैतान क्या कर रहा है, उन्हें मार रहा है। और मैंने एक मन बनाया, क्या बनाया, कि मैं किसके लिए जीऊंगा, मैं किसके लिए जीऊंगा। मैंने फिर अपने शरीर की चीजों पर नहीं मन लगाया। ऐसा नहीं है कि हालात नहीं आए, आए, बाइबल बताती धर्मी पर हालात आएंगे पर वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आए, वहां से आए, पर परमेश्वर ने सबसे मुझे छुड़ाया और आज तक बचा के रखा और आज मैं आपके सामने हूं। क्या हूं आज मैं? आज मैं आपके सामने हूं। समझ आ रही है? जब प्रभु ने मुझे अपनी शांति तो दे दी, क्या दे दी, वो चीज से मुझे शांति तो दे दी, पर जो मेरा अपना खुद का बिजनेस, जो मेरा कारोबार था, शैतान ने उस साइड से मुझे पूरी तरह टाइट कर दिया। क्या कर दिया? पूरी तरह टाइट कर दिया। एकदम मेरा जो काम था, क्योंकि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था पेशे से, तो मेरे जितने भी काम चलते थे सब एकदम ऐसे क्लोज हो गए, बंद हो गए, और मैं इतना टाइट हो गया। टाइट होने की वजह का कारण क्या था, क्योंकि क्योंकि मैं शराब के नशे में मैं इतना अपने काम पर ध्यान नहीं देता था। क्या नहीं देता था? तो जितने थे उतने थे, चल रहे थे, और एकदम सारे बंद हो गए, और मैं पैसों की वजह से इतना टाइट हो गया। और जब ऐसे हुआ तो मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं, क्या नहीं थे, 10 रुपए भी नहीं है। तो तब शैतान मेरे मन में ऐसे डालता था कि याद कर वो दिन और आज, वो दिन अच्छे थे कि आज के दिन अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि शैतान मेरे मन में ऐसे डालता था कि देख अब इस टाइम तू एक एसी बियर बार में बैठकर क्या करता था, आनंद करता था, और आज देख प्रभु में ये जीवन अच्छा है कि वो जीवन अच्छा है। और मैं ऐसे मेरा मेरे मन को शैतान ऐसे दोष दोष देने वाली चीज ऐसे करता था। पर मैं सच्चाई को समझ चुका था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि शैतान मुझे उस जीवित परमेश्वर से और उसकी सच्चाई से तोड़ना चाहता था। इसलिए शैतान ये सब कुछ मेरे साथ ऐसे कर रहा था। तो बेशक चाहे उसने मुझे कितना भी टाइट किया, पर मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, उससे दूर नहीं गया, और उन दुखों में भी, उस घटी में भी मैं परमेश्वर की महिमा करता रहा। और ये मेरे जीवन की टेस्टामनी है कि कैसे उस अंधकार से परमेश्वर ने मुझे अपनी ज्योति में बुलाया। हाँ, अगर वो ना बुलाता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। क्या ना होता? अगर वो मुझे ना बुलाता, मुझे ना बचाता, तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बताती अपनी बुलाहट पर ध्यान दो। क्या दो? और मैंने अपने जीवन में यही चीज की। क्या की है? क्योंकि मैंने उसके अनुग्रह को कभी भी व्यर्थ नहीं किया। क्या नहीं किया? उसकी कृपा को मैंने अकार्थ नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया। मैंने इस जीवन के मूल्य को समझा। अगर आप भी समझते हो, क्या करते हो, अगर आप भी समझते हो तो आज से हाँ कभी भी ऐसे मत करना कि शरीर की बातों पर मन लगाकर अपने मन को खराब करना। समझ आ रहे? मैंने ये चीजें नहीं की, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और उसकी बातें आपको बता रहा हूं। आमीन।